बहुत ही अच्छी चल रही है और यहाँ की चाय इतनी टेस्टी है कि फिर से चाय पीने का मन हो गया और हम यहाँ पे हाईवे पे चाय पी रहे हैं साइड में रुक के। और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बीच में बारिश हो रही है और द्वारिकाधीश के दर्शन होंगे, आज एकादशी है। इतना शुभ अवसर, भगवान की असीम अनुकंपा, मन इतना खुश है कि भजन गाते हुए हम लोग आ रहे हैं और बता नहीं सकते कि इतनी खुशी हो रही है कि प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन। ये सब एक सपना होता है, एक कल्पना होती है, लेकिन जब ये साकार होता है तो बहुत मन बिल्कुल खुशी से झूमता है। मेरे बांकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। अरे वो कौन सा भी आ रहा था तूफान, क्या नाम था उसका, उसी से ना तूफान का कुछ नाम नहीं था, टाटा केमिकल्स। राधे राधे, द्वारिका नगरी में हम लोग पहुंच गए और ये भगवान की असीम अनुकंपा। आपको कैसा लग रहा है द्वारिका नगरी में आके? अच्छा। इतनी खुशी हो रही है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं है। और एक अद्भुत अलौकिक, यहाँ की हवा में ही, हर हवा में भगवान का वास है और बहुत असीम अनुकंपा की हम यहाँ तक पहुँचे। तो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, डर पे सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीबा गया है। राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, जय हो प्रभु जी की, जय हो प्रभु जी की। कृपा दृष्टि बनाए रखे, अपना आशीर्वाद दे कि हम उनका दर्शन ऐसे ही करते रहे जीवन पर्यंत। जय हो। द्वारकाधीश जय गोविंद जय गोपाल। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अति सुखद अनुभूति, शब्दों में कोई व्यक्त नहीं है। बहुत बहुत हसीम अनुकंपा भगवान जी की आज द्वारिकाधीश के दर्शन में, एकादशी का शुभ अवसर। और अति भीड़ थी, उसमें बड़े अच्छे से तीन बार दर्शन हुआ है, भगवान जी ने अच्छे से दिए दर्शन, मन बहुत खुश हो गया। जय गोविंद गोपाल की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आए हम लोग गुजराती थाली खाने, प्योर गुजराती, देखते हैं क्या क्या मिलता है। गुजराती पंजाबी कौन थाली लग रही है? गुजराती बोली गई है, चने की दाल और आलू की सब्जी। वेरी गुड। तुरई, शुद्ध खाना है। सेव तुरई, सेव तुरई, हाँ मीठी खट्टी होगी, मीठी खट्टी होगी, बैलेंस लाइक लाइक सब दीजिएगा, सबका टेस्ट करना है। भूख भी जो है सुबह की है, उत्तर प्रदेश की लगी हुई है। ये लो भाई। अरे वाह, ये थोड़ा सा हटाना है, इतने सारे सैलेड हैं, बताइए जरा। वाह भाई वाह, क्या बात, अद्भुत। मिर्ची, बंद गोभी, और गर्मा गर्म बना देंगे, स्पाइसी तड़का लगेगा, जो लोग देखेंगे वो गुजरात आने की। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पानी खत्म हो गया, पानी जाती, खाना बुलाएगा, पानी और लालच लगेगी ऐसी, मतलब ये तो वाकई बहुत ही, कितनी सेवा भावना से दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात सही है। मिर्ची कितनी अच्छी लग रही है, कढ़ी डाल दीजिए। अच्छा ये देखिए कढ़ी, किस चीज की कढ़ी है ये? बेसन की है, अच्छा दही की कढ़ी है। ये और ये क्या है भैया? अरे मूली है, दे दीजिए पपीता। अरे वाह, देखिए ये पपीता है,
मुझे भी दीजिएगा। बाउल इधर कर दीजिए, बाउल इधर कर दीजिए। चूरमा मुझे मत दीजिए, बहुत थोड़ा सा रख दीजिए। अच्छा देख के भूख और ज्यादा लग गई है, लग रही और है इतनी खूबसूरत से सजाई गई थाली है कि ऐसा तो और कहीं यूपी में भी गुजराती थाली अगर खाने जाओ तो ऐसा कहीं कुछ मिलता नहीं है। यहाँ के तो बहुत ही स्नेह से खिलाया जा रहा है और बहुत सब खाने में देखिए कैसा लगे हुए हैं किसी का ध्यान और कहीं नहीं है, बस खाने में, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। आते जाओ, बोलो कम, एक बार बता दूँ सब चीज़ें खा के। खुद करो ना, खाओ। देखती हूँ अब पपीते की सैलड देखिए। हाँ। सब पौष्टिक आहार है बेटा। कैसा लग रहा है खाना, कैसा लग रहा है? हाँ दीजिए दीजिए। पूरी थाली खाली हो गई किसी की, और इतना अच्छा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना, ये छाछ मिल रहा है देखिए, और बर्तन कितना ट्रेडिशनल है। मेरी थाली देख लीजिए, और इतना ज्यादा पेट भर गया है, इतना मजे में खा रहा है कि पूछिए नहीं। नहीं, उन्होंने चूरमा छोड़ा है, मैंने तो सब खा लिया चूरमा। बहुत मजा आया, बहुत ही टेस्टी खाना था। दोनों बराबर चल रहा है। फूड अच्छा लगे तो बेल बजा दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे इन्होंने बेल अपनी लगाई हुई है, तो खाना वाकई बहुत टेस्टी था। और मैं सारी बेल मैं बेल बजा दे रही हूँ। खाना वाकई बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छे से खिलाया गया था, बहुत ही मन से खिलाया गया है ना। खाना अच्छा लगा हो तो बेल बजाओ, लिखा हुआ है। फूड अच्छा लगे तो बेल बजाइए। बहुत बढ़िया खाना था भाई, बहुत टेस्टी खाना था सच्ची में। ये देखिए इन्होंने भी बेल बजा दी। ओहो ये देखिए लिखा है खाना अच्छा लगे तो बेल बजा दीजिए। तो बाहर बेल है, आप भी बजा दीजिए। सभी लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिनेश श्रीनाथ और पूरी ऊर्जा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जा रहे हम लोग भेंट द्वारिका, जहाँ सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से मिले थे और अपने साथ जो लाए थे भेंट वो दिए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम है भेंट द्वारिका। ये समुद्र में है, बाकी आपसे मिलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये धाम द्वारिका पूरी धाम, तो भगवान की जब कृपा दृष्टि होती है तभी उनके दर्शन मिलते हैं। जय हो द्वारिका देश जी की। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश जी की। भैया आगे बैठे हुए हैं। भैया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम लोग जो है द्वारिकाधीश भेंट द्वारिका जा रहे हैं, भेंट द्वारिका का दर्शन करने जा रहे हैं प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा से सारे काम हो जाएंगे। जय सर्व समर्थ प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। जय श्री राम, जय ही विधि बने संजोगा। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे, राधे राधे। प्रणम, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणम शीर्षा एवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणेरितमायुष्कामार्थ सिद्धे प्रथमम वक्रतुण्डम च एकदन्तम द्वितीयकम तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम गज्ज वक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च सप्तमं सप्तमं विघ्न राजेन्द्र धूम्रवं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजानन। जय हो सीताराम। सुंदर, अति सुंदर। राधे राधे प्रभु द्वारिकाधीश भगवान हम सबका रोग दो। हम लोग ओखा जा रहे हैं, ओखा से फिर बोट से अंदर भेंट द्वारिका। ये देखिए यहाँ पे बोट करेंगे, फिर समुद्र के अंदर जाएंगे और करेंगे दर्शन। बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपार खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रही है। कैसा लग रहा है बच्चा, है ना? अभी तुम टोपी खरीद लेना अपने लिए, है ना? हाँ अति
मतलब क्या है, सब कैप्चर हो जाएगा। वाह भाई वाह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो बहुत दूर हो जाएगा ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ फोटो शूट भी हो रहा है, ये देखिए ये फोटो शूट हो रहा है। ये यहाँ सिर्फ ज्वाइंट है बस, बाकी सब बचा हुआ है। हाँ सब बन गया है और फिर इस पे कार से ये रामेश्वरम की तरह ये भी रेडी हो जाएगा। ये ज्वाइंट बचा है, जब ये बन गया तो अगली बार आएंगे तो फिर पुल पे आएंगे, पुल से चले जाएंगे मंदिर। जय द्वारकाधीश जी की। वाह वाह वाह, इस पे गाड़ियाँ चलेंगी, दौड़ेंगी। रामेश्वरम मित्रा यहाँ भी समुद्र के ऊपर ब्रिज बन रहा है, सब रेडी, बस थोड़ी सी बात। इसी चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए इतनी चमचमाती है, हमारा मंदिर है जगह, इतना इनका मस्जिद दिख रही है, चमचमा रहा, सोना लगा है एकदम। से उतरने के बाद हम लोग पदयात्रा पे हैं और मंदिर बिल्कुल अब थोड़ी सी दूरी पे है। बोट में बैठे और उतर गए, पता भी नहीं चला, हम लोगों को जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है कितनी दूरी पे है, लेकिन बोट पे हाँ थोड़ी दूरी पे तो है, लेकिन बोट में बैठे और तुरंत उतर ही गए, बहुत ही कम दूरी पे तो पैदल चले जाते पानी में। हाँ बिल्कुल, छप्पा छप करते हुए चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पता नहीं था बजरंग बली के मंदिर, जहाँ पिता पुत्र साथ हैं, पुत्र मगरध्वज जो मछली के गर्भ से जन्म लिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।